अखंड ज्योति दिया जलाने के लिए इस प्रकार का प्याली दिया अच्छा होता है। इसमें एक तो तेल लीक नहीं होता, 8-10 दिन चलेगी ऐसी लंबी कपास की बाती इसमें रह सकती। किसी और दिए से ज़्यादा मात्रा में घी या तेल इसमें रह पाता है। अखंड दिए के लिए बाती साधारण कपास की होनी चाहिए। 8-10 इंच की बाती 8-10 दिन चलती है। ये रेडीमेड मिलती है या इसे तैयार करना आसान है। सिंथेटिक कॉटन या धागे की बाती हो तो दिया तेल होते हुए भी बीच बीच में बुझ जाता है। दिए में कपास की बाती हम इस प्रकार डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाती के पिछले छोर से तेल की लेवल नीचे हो जाए तो दिया बुझ जाता है। इस प्रकार बाती रखने से इसे ऊपर उठाना भी मुश्किल होता है। तो ये बाती हम थोड़ी रीअरेंज करते हैं। इस प्रकार इसे मुड़कर रखते हैं। बाती कितनी भी बड़ी हो वो ठीक से रह पाएगी और कभी भी तेल से भीगी रहेगी। तितली की तरह नोजल नजर आता है। अब दिया बुझने का सवाल ही नहीं। दिए में तेल डालकर हम इसे जलाते हैं। कुछ घंटे बाद जब बाती काफ़ी जल चुकी है और इसे ऊपर उठाना है तो बहुत आसान है। इसके लिए जले हुए अगरबत्ती की स्टिक उपयोग में ले रहा हूँ। नोजल के बीच में जो गैप है उसमें यह स्टिक डालकर बाती को ऊपर ले रहा हूँ। हमने जो बटरफ्लाई शेप में बाती को अरेंज करके रखा है उसके कारण यह आसान हो गया। अगर बाती को ऊपर से खींचना है तो अगरबत्ती की 2 स्टिक लेनी है। उसके बीच में जलती हुई बाती को हल्का पकड़कर सावधानी से ऊपर खींचना है। दिया बुझाए बगैर जितनी चाहिए उतनी ज्योति हम बढ़ा सकते हैं। दिया तो ठीक से जलाना आ गया, पर हवा से ये कभी भी बुझ सकता है। हवा से दिया सुरक्षित रखने के लिए बाजार में कांच उपलब्ध है। अगर कांच नहीं मिली तो और एक अच्छा ऑप्शन उपलब्ध है। यह स्टेनलेस स्टील के स्पून स्टैंड है। इसमें काफ़ी अलग अलग साइज और डिज़ाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में ये आसानी से उपलब्ध है, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे है। इनका उपयोग करके हम दिया ढक कर रख सकते हैं। दिए को हवा लगेगी नहीं और दिए के पास सुंदर रिफ्लेक्शन दिखेगा, आकर्षक डिज़ाइन दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण बात, जलते दिए पर यह ढक्कन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसका उपयोग करते समय सतर्क रहें। ये कुछ टिप्स थी दिया कंटिन्यू जलता रखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही काम की बातें जानने के लिए अपने पैसे वसूल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद।